नान थाना क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। उसके बाद छानबीन के दौरान पता चला कि वो मोहनिया थाना अंतर्गत एक रूबी कुमारी का शव था और 18 तारीख को ही उसकी गुमशुदगी की FIR दर्ज की गई थी। छानबीन के दौरान पता चला कि जो व्यक्ति पे उसके परिजन ने शक किया था वही उस महिला के हत्या में संलिप्त था। आज उसी की गिरफ्तारी हुई है, उसके साथ साथ उसके दो सहयोगियों की भी गिरफ्तारी की गई है। हत्या का रीजन क्या निकला सर? ये रूबी कुमारी थी, ये उमेश तिवारी के पूर्व परिचित था और उमेश तिवारी ने पहले भी इन्हें नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया था। इसी क्रम में दोनों एक दूसरे से परिचय में आए थे। बाद में बताया जा रहा है कि इन लोगों के बीच में प्रेम प्रसंग भी डेवलप हो गया और यही उनकी हत्या का कारण बना है। जो हत्या हत्या कैसे रहे किया गया था? मार किया था? क्या सामने आया? उमेश तिवारी से पूछताछ के दौरान पता चल रहा है कि जो महिला थी उसने खुद जहर खाया था। अब वो उसने जहर खाया या जहर दे दिया गया ये कहना मुश्किल है, कैसे क्योंकि पहचान लिया अपराधियों की सर? पूछताछ के वहाँ पे CCTV फुटेज देखा गया, अनुसंधान के क्रम में लोगों का बयान लिया गया, कॉल डिटेल्स का भी एनालिसिस किया गया। फिर जब ये इनको पकड़ के पूछताछ की गई तो इन लोगों ने भी अपने संलिप्तता स्वीकार की है। फिर पूरा घटनाक्रम को इन्होंने बताया, कैसे कैसे अंजाम दिया है, उसको हमारी टीम ने जाके अलग अलग जगह पे वेरीफाई किया। उसके बाद जो भी कहा गया है उसी के आधार पर सभी लोगों की गिरफ्तारी हुई ये है। लोग पहले भी किस कांड में अभियुक्त रह चुके हैं या फिर पहले हैं? अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली है, आपराधिक इतिहास की छानबीन की जा रही सर है। कितनी गिरफ्तारी है? क्या क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी कुल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, इनका और एक सहयोगी था, उसके लिए भी गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीम छापेमारी कर रही है। सर जहर खाने के बाद फिर आगे का प्रोसेस क्या हुआ जिसमें दो और लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया? जैसा कि इन्होंने बताया कि उसे जहर कंज्यूम कर लिया और उसके बाद जब हालात बिगड़ने लगे तो एक स्थानीय डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने वहाँ पे 2-2.5 घंटे इलाज किया, उसके बाद वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया और पुलिस को सूचना देने के बजाय लाश को ठिकाने लगाने में उन लोगों की मदद की। तो इन्होंने रात को ही लाश फेंक दिया था क्या बताया? रात को ही लगभग 9 से 10 बजे के बीच में इन लोगों ने लाश को फेंक दिया था इसमें वहाँ डॉक्टर पे। के ऊपर भी कोई कार्रवाई की जा रही है? हाँ, डॉक्टर को भी हमने गिरफ्तार किया है क्योंकि लाश को डिस्पोजल करने में उसकी भी संलिप्तता थी। झोला सब डॉक्टर है सर या फिर कोई? उसके अभी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सर वो पानापुर से सर कैसे वहां पे पहुंच गए लोग? सोनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत कैसे लोग गए? पानापुर में जो मृतका थी उन्होंने फोन करके बुलाया था उमेश तिवारी को। उमेश तिवारी अपने एक सहयोगी के साथ मोटरसाइकिल से वहाँ पे गए थे। उसके बाद तो वहाँ से उसको लेके पहले दूसरी जगह पे गए, वहाँ पे फिर पेट्रोल पंप के पास एक ढाबे पे बैठ के कुछ बातचीत हुई। उसके बाद ये सब डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए पहुँचे और उसके बाद जब सब को ठिकाना लगाने हुआ तब फिर वो मोटरसाइकिल पे लेके सुनसान क्षेत्र में ले जाके फेंक दिया उसको। जी जहर खाने और जहर खिलाने की जो बात सर चल रही है सामने आ रही है तो इसका कारण स्पष्ट हो पा रहा है सर कि क्यों जहर खाने और खिलाने की बात चल रही है? अभी और छानबीन चल रही है, परिजनों का भी और बयान लिया जाएगा, उसके बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा। कोई और अभियुक्त तो अभी बाकी हैं जिनकी एक गिरफ्तारी? अभियुक्त के लिए छापेमारी हम लोग कर रहे हैं अभी गिरफ्तारी के लिए। धमकी भी इसमें संलिप्तता आई है? जी हाँ। बैठ लीजिए, 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 बैठ लीजि